नसीहत, खुशियाँ है आई लेकर नया सवेरा। अपना अंधेरा होगा मेरे मन में, तेरा नूर चमकेगा मेरे घर में। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। मती के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 24 से। सदमती अध्याय 13 वचन 24 से। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बनने दो। कटने के समय मैं लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्टे बांध दो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज प्रभु यीशु सुसमाचार का शुरुआत करते हैं यह कहते हुए, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य यह शब्द बाइबल में हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य और यीशु का राज्य, सबका अर्थ एक ही है। जब हम स्वर्ग का राज्य के बारे में सुनते हैं, असली स्थिति जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे वहां कैसे रहेगी, यीशु का राज्य जब हम कहते हैं, हमारे एक व्यक्तियों के दिल में ईश्वर कितना शासन करते हैं, यीशु के राज्य कलीसिया की उपस्थिति द्वारा इस धरती पर हमें मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार ईश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य यह आइडिया या विचार हमें कहां से मिलता है? विशेष रूप से पुराने व्यवस्था दानियल के ग्रंथ से हम पढ़ते हैं, दानियल 7:14। दानियल के ग्रंथ अध्याय 7:14 में हम पढ़ेंगे, अनिल पढ़िए पेज नंबर 1360। उसे प्रभुत्व सम्मान तथा राजत्व दिया गया,
Yeah. ताबले सोचने के मेरे बोलते उसे प्रभुत्व सम्मान तथा राजत्व दिया गया है सभी देश राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे उसका प्रभुत्व अनंत है वह सदा ही बना रहेगा और उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। तो उसका राज्य का विनाश कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं दानियल के ग्रंथ और अन्य जगहों में भी हम ईश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। एक छोटी सी घटना के द्वारा कहानी के द्वारा हम बताना चाहते हैं। मुल्ला नजरुद्दीन कोने मुल्ला जिसका नाम है नजरुद्दीन, नाम सुनेंगे मुल्ला नजरुद्दीन। तो मुल्ला नजरुद्दीन एक बार ऐसे सड़क पर चलते जा रहा था और रास्ते चलते चलते उसे एक डायमंड रिंग मिल गया। क्या मिला? डायमंड। बहुत महंगी चीज होती नहीं, डायमंड रिंग मिल गया। और उस जमाने में ऐसा नियम था जो लोगों को कोई भी चीज मिलता है वो उनकी उन्हीं का बन जाता है, पर उसके पहले उनको एक काम करना है, तीन बार बाजार में जाकर अलग अलग समय पर एक के बाद एक नहीं तीन बार यह बोलना है, घोषणा करना है, भैया मुझे एक डायमंड रिंग मिला है, अखबार आकर इसे मुझसे ले सकते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीन बार ऐसा घोषणा करना है। और ये मुल्ला नजरुद्दीन है नियम को पालन करने वाला, तो इसलिए एक दिन वो बाजार में जाता है। कब जाता है बाजार में? जब कोई नहीं रहता, रात को 12 बजे जाता है। और जोर से बोलना है सबको सुनने के लिए, वो क्या बोलता है धीरे से, मुझे सड़क के किनारे ये डायमंड रिंग मिला है जो आपके दादा है उसे आपके ले ले। वो सुनेगा, वो नियम का पालन तो करता। पहला दिन कोई नहीं आया, दूसरा दिन भी जाके वही बोलता है मुझे सड़क के किनारे एक डायमंड रिंग मिला है जो आपके दादा है उसे चुपचाप कोई नहीं आया। तीसरा दिन जब उसने बोला ऐसा धीरे से कोई सुनने का है, फिर भी एक आदमी ने सुन लिया। वो सुना क्या? पूरा नहीं सुना, सिर्फ आवाज सुना। ये मुल्ला नजरुद्दीन आपको कुछ बोल रहा है, कुछ अनाउंस कर रहा है, क्या मालूम नहीं, इसलिए वो दौड़कर बाहर आता है। मुल्ला जी आपने कुछ बोले क्या? हमने कुछ बोल, आप मुंह हिलाते हुए सुना है। फिर मुल्ला जी ने जवाब दिया, मैं तो नियम का पालन किया है, मैं क्या है करके नहीं बताऊंगा। तो इससे हमें पता चलता है मुल्ला एक तरफ नियम का धर्म का पालन करना वाला भी है और दूसरी तरफ लालच भी। वो डायमंड रिंग को क्या करना चाहता है? नियम का पालन करते हुए उसे अपने लिए रखना भी चाहता है। तो इस मुल्ला जी में हम देखते हैं एक तरफ अच्छाई भी है बुराई भी है। ना केवल इस मुल्ला जी में अच्छाई भी है बुराई भी है, हर इंसान में अच्छाई भी है बुराई भी है। और आज प्रभु यीशु ये दृष्टांत सुनाते हैं, खेत में अच्छे बीज भी है जंगली बीज भी है। ये अच्छे और बुरे लोगों का जीवन हमेशा अंतर चलते रहेगा। कब तक? फसल अंतिम दिन तक। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने सुना है, सुनेंगे वचन 24 में, 13-24 मत्ती 13-24 में, मत्ती 13-24 फिलोमिनो ईसा ने
सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। Yes. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदस्य है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बैरी आया और जंगली बीज बोकर चला गया। अपनी सोचने के मेरे बात बोलिए, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज क्या हो सकता है अनिला? किसकी ओर संकेत करता है? अच्छे लोगों की तरफ, ईश्वर के वचन की ओर। द वर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का वचन अच्छा बीज है जिसको प्रभु यीशु ने बोया, उसके बाद प्रेरितगण ने बोया और उसके बाद कलीसिया अभी पुरोहितों के द्वारा ईश्वर का वचन हर दिन हर वक्त बोया जाता है। और जब लोग सोने का समय कब है? कोई लोग दिन में भी सोते हैं, तो जब लोग सो रहे थे मतलब सुनीता रात के समय में बहरी आया और क्या किया? जंगली बीज बोकर चला गया। तो ये बहरी कौन है? सोते समय जब लोग कोई देख नहीं सकते उस समय बहरी आया। बहरी कौन है? शैतान। और क्या बोके चला गया? जंगली बीज बोके चला गया। तो जंगली बीज शैतान आकर कहां बोता है? अच्छी भूमि पर बोता है और जो लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं उनके भूमि पर बोता है। शैतान की चालाकी देखिए, उसको खेत को जोतने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ती। जब खेत जोतकर अच्छा बीज बोकर खेत जमीन तैयार है उस समय आकर शैतान जंगली बीज बोता है। तो समझने के लिए कोशिश करो, अच्छा बीज प्रभु के वचन अपने दिल रूपी खेत में स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, वही जमीन पर शैतान आकर जंगली बीज बोकर चले जाता है। तो हम यहां देखते हैं जंगली बीज बोकर वो चले जाता है, वो रुकता नहीं। ये जंगली बीज हमें कहां से मिलता है? शैतान को आपने देख लिया मंजना। तो शैतान किस लोगों को इस्तेमाल करता है? जैसे कि आजकल टीवी है, शैतान उसे इस्तेमाल करता है और जब कभी हम देखते हैं उसका बुरे विचार हमारे दिल में बोया जाता है। अच्छा बीज यीशु में बोता हमारे दिल में, हमारे जीवन में, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं और जब हमारा दिल खुला हुआ है ईश्वर के वचन के लिए, और उसी समय आकर शैतान क्या करता है? दुनिया के बुरे लोगों के द्वारा, टीवी के माध्यम से और अन्य गलत व्यवहार द्वारा हमारे दिल में जंगली बीज बोकर चला जाता है। गलत फॉल्स टीचर्स जो गलत धारणाओं को शिक्षा देते हैं उन लोगों के द्वारा बोकर चला जाता है। जंगली बीज जब आप बोलते हैं पैलेस्टीन गेस्ट में, जब प्रभु यीशु कहते हैं जंगली बीज बोकर चला गया, वो किस प्रकार की जंगली बीज है? ऐसी है गेहूं के समान ही है उसका पेड़ भी, पौधे एग्जैक्टली लाइक गेहूं के पौधा के साथ, उसके पत्ते, उसके डंडे, और उसे पहचानने में वेरी वेरी डिफिकल्ट। किसान लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया उस देश में जब ये जंगली बीज का कहानी यीशु उनको सुना रहे हैं। वास्तव में गेहूं के समान ही वह जंगली बीज भी दिखता था, फरकने में बहुत मुश्किल है। और इसलिए यीशु कहते हैं, आगे चल के पढ़िए वचन 26 में, जब अंकुरित होता और बाले निकलेगी
तब जंगली बीज और भूमि दिखाई पड़े। ये सब इस वचन के महत्व लिए, जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। तो जंगली बीज तुरंत दिखाई नहीं देता, उगते समय बड़े होते समय पहचानने में असंभव है, गेहूं के समान ही दिखता है। और यदि इसलिए हमें उसे ढूंढ कर निकालने के लिए प्रयास करेंगे यह असंभव है, गेहूं को भी उखाड़ डालेंगे। तो इस बात के द्वारा यीशु हमें बताना चाहते हैं जंगली बीज और अच्छा बीज दोनों बराबर दिखते हैं। ये अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों दिखने में बराबर है। ये अच्छे लोग बुरे लोग पापी लोग संत लोग कहां दिखते हैं? जीवन की हर क्षेत्र में दिखते हैं। हमारे चर्च में भी जंगली बीज अच्छे बीज, अच्छे लोग और बुरे लोग है कि नहीं? क्या हम लोग सब अच्छे दिखते हैं? गेहूं के पौधे और जंगली बीज का जो पत्ती है जो डंडे है सब बराबर है, उसे पहचानने में असंभव है। वैसा हमारे बीच में भी दिखने में हम सब कितने अच्छे ईसाई है, प्रार्थना में आते हैं, बाइबल वचन सुनते हैं, सब कुछ में बराबर दिखते हैं। तो इसलिए संत लोग और पापी लोग, अच्छे लोग बुरे लोग, ना केवल अपने चर्च में, ना केवल दुनिया के अन्य समाज में, दुनिया के हर कोने में हमें मिलेंगे। इसे परखने में बहुत मुश्किल है, अच्छे कोने बुरे कोने, मत दिखने में एक ही है। जैसे जंगली बीज और अच्छे गेहूं भी दोनों बराबर दिखते हैं, वैसे अच्छे और बुरे लोग भी हमें पहचानने में असंभव है। अग्नि वंदना, दिखने में सभी लोग एक ही दिखते हैं। सर जी सुखवाते समय सभी लोग सीख चुका रहे, आमन बोलते ना सभी लोग आमन बोल रहे हैं, प्रेतों के दरअसल बोलते हैं सभी लोग प्रेतों के दरअसल बोल रहे हैं, कैसे पहचानेंगे अच्छे बुरे? गेहूं और जंगली बीज दोनों बराबर ही दिखते हैं, है कि नहीं वंदना? तो इसलिए हमें होशियार रहना है, कौन अच्छे कौन बुरे हम पहचानने में मुश्किल है। पहचान कब आता है? पहचान में कब आता है? ये जंगली बीज अच्छे बीज का पहचान कब हुआ? बड़े होने की बात नहीं है, यह बताया गया है 26 में, क्या बताया गया है? हाँ, जब अंकुर फूटा यानी जब दाने निकलने लगते हैं, अंकुर फूटा और बाले लगी तब जंगली बीज दिखाई पड़ा। तो अच्छे बुरे लोग का पहचान कब होगा? जब हमारा नियम अपना न्याय होगा, जब प्रभु यीशु आखिरी दिन में आएंगे तब वही पहचान सकता है, उसी समय पहचान होगा। इसका मतलब है हम लोगों को बोली से नहीं, जैसे घास और जंगली बीज और अच्छे बीज का जो पत्तियां रहते हैं उसको देखकर नहीं, डंडे को देखकर नहीं, मगर जब गेहूं का दाना निकलता है, जब जंगली बीज का दाना निकलता है तभी हम उसे पहचानते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों की बोली से नहीं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोली बोलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे आमन जैसे बोलते हैं उससे फर्क नहीं, मगर जैसे अंकुर फूटा यानी फल के द्वारा। गेहूं फल है ना? यस, गेहूं फल है। जंगली बीज का फल जब निकला तभी पहचानने में आया। तो इसलिए हम भी अच्छे लोग और बुरे लोगों को पहचाना असंभव, क्योंकि हम लोगों का दिल को नहीं जानते हैं। लोगों का असलियत उनके दिल में छिपा हुआ है, और जो हमारे दिल को ही जानने वाला यीशु ही अच्छे बुरे लोगों का पहचान कर सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे को न्याय नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, दिखने में बोलने में करने में सब एक ही जैसे लग रहा है। और यह भी बताया जाता है जब जंगली बीज और अच्छे बीज जो पड़ते समय बैरी आकर होकर चले जाता है, उसके जड़ अच्छे बीज और बुरे बीज जड़ एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। और यदि आप बहुत मुश्किल से पहचान भी लिया ये जंगली बीज है, उसे उखाड़ने से क्या हो जाएगा? अच्छे बीज भी, क्योंकि जड़ निकला जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये अच्छे बीज भी। इसलिए नव लोग आकर यीशु से पूछते हैं, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया? ये जंगली बीज कहां से आया? कोई दुश्मन का काम है, शैतान के काम है, क्या हम उसे जगह उखाड़ ले?
यीशु बोलता नहीं, उखाने से अच्छे बीज को भी नुकसान हो जाए, इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ने दो। फसल लूटते समय, न्याय के समय, दुनिया के अंत में उनकी फसल होगा। अब कितने बार आप सोचते हैं ये आदमी मरता क्यों नहीं, इतने बदमाश है, इतने बुरा है, इतने हत्या करता है, उसको रहने क्यों देते हैं। बहुत बार हम चाहते हैं ऐसे लोग जल्दी दुनिया से निपट जाना चाहिए, देखना नहीं चाहते हैं, पर यीशु कहते हैं नहीं, उनको साथ साथ बढ़ने दो। मगर हम साथ साथ बढ़ने से उनके उनसे प्रभावित नहीं होना है, साथ साथ बढ़ने से उनकी बुराइयों को देखकर हमें सीखना है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, साथ साथ बढ़ने। इसलिए हम किसी भी दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए कि हम कभी इच्छा नहीं करें, क्योंकि यीशु की इच्छा नहीं। यीशु कहता है दोनों को साथ साथ बनने दो और उनका न्याय हो जाएगा फसल काटते समय, यानी उनके जीवन के अंत तक। इसका मतलब क्या है फिलोमिना? इसका मतलब यही है कि हम दोनों को अच्छे बुरे लोग एक दूसरे को क्या करना है, क्या करना है, सहन करना है दुनिया में जीने के लिए। ये जो बोलता है दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, इसलिए किसी को मारना अपना हक नहीं है, नाश करना किसी का हक नहीं है, इसलिए हम दोनों क्या करना है एक दूसरे के साथ जीने के लिए सहन करना है कि नहीं बंधना। आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारा पड़ोसी कितना भी गलत क्यों ना हो, सहन करते हुए जीना है। तो यीशु आज इस जंगली बीज और अच्छे बीज की दृष्टांत के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यही सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में, बस्ती में, चर्च में, दुनिया के हर कोने में सुविधा अच्छे लोग बुरे लोग रहेंगे, और इसलिए हम किसी का नुकसान बर्बादी ना चाहते हुए साथ साथ जीने के लिए हमें सीखना है, साथ साथ जीने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, है कि नहीं बंधन? एक दूसरे को सहन करना चाहिए, सहन करते हो आप, क्योंकि हम किसी के नुकसान नहीं चाह सकते। यीशु बोलता नहीं, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, कटनी के समय तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। आगे चलकर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में पेशेंस, सहनशीलता हम कहां तक रखना चाहिए। पहला कुरिन्थी 13:4 में हम पढ़ेंगे सहनशीलता के बारे में, संत पौलुस हमें समझाते हैं। पहला कुरिन्थी वंदना पढ़िए 13:4, पहला कुरिन्थी भेजना का नहीं बोलेंगे हम, बोलिए बोलिए। प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है ना दिल मारता। यस, सबसे पहले हम देखते हैं संत पौलुस हमें बताते हैं प्रेम सहनशील है और दयालु है। हमने कहा कि हमारे जीवन में अच्छे बुरे लोगों के साथ जीने के लिए हमें क्या चाहिए सुनीता? सहनशीलता चाहिए। और यह सहनशीलता हमें जीने के लिए कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी सहनशीलता? कहां से मिलेगी? या बस क्या बोला हमने? प्रेम सहनशील है, तो प्रेम से हमें सहनशीलता मिलती है। ये प्रेम कहां से मिलती है? प्रेम अनिला ईश्वर से मिलते हैं, गॉड इज लव। तो जब हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, जल्दी हमें गुस्सा आ जाती है मार्गरेट, इसका अर्थ क्या है? हम सहनशील नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम के अभाव है। जब हमारे दिल में ईश्वर का प्रेम के अभाव, क्योंकि वचन कहता है प्रेम सहनशील है। अगली सिस्टम मेरी, अब इधर देखो बोलो, प्रेम सहनशील है। यदि आप गुस्सा करते हैं, जल्दी नफरत करते हैं या बोलते हैं,
कहते हैं, इसका मतलब है आप सहन नहीं कर रहे हैं। सहन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप में प्रेम कमी है। तो संत पेत्रोस कोरिंथी कलीसिया के लोगों को बताना चाहते हैं, प्रेम सहनशील है, आप में प्रेम की अभाव है, इसलिए आप एक दूसरे के प्रति झगड़ा करते हो, एक दूसरों के प्रति मनमुटाव रखते हो, एक दूसरों के प्रति जलते हो, एक दूसरों के प्रति घमंड करते हो। इन सभी बुराइयां हमारे जीवन में इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्यार की कमी है। कि नहीं वंदना, आप गुस्सा होते हो वंदना? कभी नहीं, इन्हें आप प्रेम से भरपूर है, क्योंकि ईश्वर कभी गुस्सा नहीं करता। जब हम कितने भी बार गलतियां करते हैं, ईश्वर हमें तुरंत दंड देते क्या? नहीं देता, सहन करता है। क्यों? क्योंकि गॉड इज लव। यदि हमारे सामने ईश्वर का प्यार भी सीमित है तो क्या हो जाएगा? हम आज तक जिएंगे नहीं, क्योंकि हम कितना गलतियां करते दिन भर में, क्योंकि ईश्वर सहनशील है। और इसलिए प्रेम सहनशील है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा पेत्रोस 3:15 में हम पढ़ेंगे, सेकंड पीटर 3:15, सेकंड पीटर 3:15 पेज नंबर। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति के सहायक समझे, मुक्ति में सहायक समझे, जैसा कि नहीं बस इतना ही आपने सोचा कि मेरे बात बोली है। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझे। तो इसलिए पापी लोग यदि समझते हैं कि ईश्वर मुझे कोई दंड नहीं देता है, मतलब जो भी मैं कर रहा हूं अच्छा है, इसका मतलब नहीं कि मैं सही हूं। ईश्वर आपके साथ सहनशीलता से दंड ना देते हुए इसलिए व्यवहार करता है ताकि तुम पश्चाताप करके मेरे पास लौट आओगे। इसलिए यह प्रूफ नहीं है, यह आधार नहीं है, ईश्वर दंड नहीं देने से मैं अच्छा हूं, ईश्वर दंड नहीं देने से हमें पनिशमेंट नहीं मिलने से इसका अर्थ है ईश्वर चाहता है मुझ पर उसकी दया बनी हुई है और इस दया का मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लौटकर मुझे शीघ्र ही यीशु के पास वापस आने चाहिए। और यदि हम बारंबार ईश्वर को उत्तेजित करते हैं, प्रभु जब कभी हम पाप करते जाते हैं, ईश्वर की दया को अनदेखा करते हुए ईश्वर फिर भी सहनशील है और इसलिए उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। अग्निवंदना, ईश्वर देर करने का मतलब है ईश्वर की दया हम पर बनी हुई है, इसलिए हमें एक दूसरों को सहन करते हुए ईश्वर के पास लौटना है। रोमी 2:4 में हम पढ़ेंगे, रोमी 2:4 सुनीता पढ़िए, रोमी 2:4 सुनीता को मिल गई। ईश्वर की दयालुता
फिर से हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दयालुता और ईश्वर की असीम दया हमें पाप की दंड नहीं देने से पश्चाताप की ओर लेते, इसका लाभ हमें नहीं उठाना चाहिए। इसलिए बार बार हम गलती करते नहीं जाना चाहिए, इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं इसका लाभ नहीं उठाते हुए ईश्वर के पास लौटना है पश्चाताप करते हुए। रोमी 12:12 में हम पढ़ेंगे, अग्रिता रोमी 12:12 रोमी 12:12 संकट में दे, आप इस वचन की मेहरबान बोलिए, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आशा मतलब आशा किसको बोलते हैं है? अलवी किरण, आशा किसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं होप, आशा मतलब या किसी चीजों के ऊपर उम्मीद रखना है। हम क्रिश्चियन लोग किस चीज पर उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद है एक दिन हम स्वर्ग पहुंचेंगे, यह हमारे लिए आनंद का विषय है। ये आशा जो हम स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं, हमारे एक व्यक्तियों के दिल में एक तीव्र इच्छा है इस जीवन में जो हम कठिनाइयों को सामना करते हैं, इसलिए धैर्य से सहना है, हिम्मत नहीं हारना है, पेशेंटली यू मस्ट बेयर ऑल दिस सफरिंग, क्योंकि हमारे लिए इंतजार कर रहा है ऐसा एक स्वर्ग, ईश्वर स्वर्ग की महिमा हम सबों को प्राप्त होने वाली है। उस महिमा को हमारे दिमाग में हमारे आंखों के सामने रखने से हमारे जीवन की प्रतिदिन की जीवन की कठिनाइयों को हम खुशी से सहन कर सकते हैं। अनिला यस, जब यदि हमारे लिए आशा नहीं है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, फिर इस दुनिया के दुख संकटों में हम जल्दी निराश हो जाएंगे। सो कीप दैट आशा, मुझे स्वर्ग मिलने वाला है और इसलिए इस जीवन की यात्रा में जितना भी दुख संकट मुझे सामना करने पड़ती है मैं उसे खुशी से झेलता हूं। इसलिए संत पौलुस बताते हैं वह आशा में आनंद से भर देती है और इसलिए जीवन की हर कठिनाई को हम खुशी से झेलते हैं। यदि वह आशा नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक बन जाएगी, हमारे जीवन में कोई खुशी और आनंद नहीं रहेगी, इसलिए वह आशा हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। याकूब 5:7 में हम पढ़ेंगे, मार्गरेट याकूब 5:7 3 याकूब 5:7 मार्केट 5:7 याकूब याकूब 5:7 5:7 359 प्रभु के आनंद में धैर्य रखें, किसान को देखो खेत की कीमती फसल की बाट जोता है, यस बहुत सुंदर, आपने इस वचन की मेरे पास बोलिए, भाइयों भाइयों तथा बहनों ये बच्चों को पकड़ो ना, भाइयों प्रभु के आने तक धैर्य रखें, किसान को देखो जो खेत की कीमती फसल के बाट जोता है,
उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य रखना पड़ता है ना, किसान बहुत सहनशील है, अपने कीमती बीज खेत में बोने के बाद वह इंतजार करते रहता है। इस वेरी पेशेंटली वेटिंग, बीज उगेगा, बड़ा होगा, फसल आएगी, पर इंतजार करते रहता है कि नहीं फिलोमिना? यदि किसान अपनी मक्का के बीज उगकर फल आने के लिए रास्ता देखते रहता है, तो हम विश्वासी गण अपने स्वर्ग में मिलने वाले उस मुकुट के लिए, उस महिमा के जीवन के लिए हम क्यों इंतजार नहीं करना चाहिए? यदि सज जाने वाले साधारण मक्का की फसल के लिए किसान इतनी प्यार से लगन से इंतजार करता है, इस वेरी पेशेंटली वेटिंग रक्षा करते हुए, तो हम सबों को स्वर्ग का वह मुकुट महिमा का जीवन प्राप्त होने वाला है, उसके लिए हमें क्यों इंतजार नहीं करना चाहिए? संत याकूब हमें यही बताते हैं, पेशेंस, इसलिए हमें सहनशीलता से उस राज्य की प्राप्ति के लिए हमें इंतजार करते रहना चाहिए। फर्स्ट पीटर 2:20 में, पहला पीटर 2:20 है, जो भी बोले जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, साफ सुथरा बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, से लवली है, यस, मैं भी सुनना चाहिए, आपके पीछे बैठने वाले भी सुनना चाहिए, बोलो बढ़िए। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। आरंभ अभी तक देखो 220 यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य का कर्म है। तो यदि आपको पनिशमेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? क्योंकि ये पनिशमेंट आपको इसलिए मिला क्योंकि आपने ये कोई बदमाशी किया है या चोरी किया है, मारपीट किया है, और जब आपको इस प्रकार दंड दिया जाता है, लोग क्या बोलेंगे? बेचारा मार क्या बोलेंगे? क्या लोग यही बोलेंगे? ये डिजर्व्स इट, उसको लगना चाहो तो लगना चाहिए, क्योंकि वो बदमाश है, और इसलिए इसको कोई पुण्य नहीं। यदि आप उस बात को, आपको दंड मिल रहा है, यदि आप उसे सहनशीलता से झेल रहे हैं, उसमें कोई पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने करने का फल भोग रहे हैं। यदि आप उसको विद्रोह करेंगे, गलती करने के बाद भी जब आपको दंड दिया जाता है, आप यदि आप उसको विद्रोह करेंगे, आप और गलत काम कर रहे हैं। मगर गलत काम करने के बाद जो आपको दंड दिया जाता है, यदि आप उसको स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, लोग आपको शाबाश नहीं बोलेंगे, यू डिजर्व इट, मगर लोग आपको तभी शाबाश बोलेंगे, लोग तभी आपके लिए थालियां बजाएंगे, आपने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपको दंड भोगना पड़ता है। और यदि आप उसे सहन धैर्य से सहनशीलता से सामना करते हैं, वो प्रशंसा की बात है, ना केवल दुनिया के सामने प्रशंसा की बात है, या ईश्वर की दृष्टि में भी पुण्य का कर्म है कि नहीं सुनीता? और इसलिए संत पेत्रस हमें बताते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, और यदि आप उसे धैर्य से हिम्मत के साथ सहन करते हैं, ईश्वर की दृष्टि में पुण्य का कर्म है। तो इसलिए हमें सहन करना है, गलत करने के बाद हमारे ऊपर बीतने वाले दंड को नहीं, उसको भी सहन करना है, और उसमें कोई पुण्य नहीं है। और जब हमें सहन करते हैं गलत ना करते हुए, या ईश्वर की दृष्टि में और एक दूसरों की दृष्टि में महत्व रखता है। संत पौलुस हमें बताते हैं कलुसिय के पत्र 3:12 में,
राफाएल कलोसी 3:12। तू ही मेरा